आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता और पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए शहडोल पुलिस लाइन में शहडोल जोन एडीजी, एसपी और एएसपी समेत पुलिस कर्मियों ने विशेष अभियान चलाकर जिले के विभिन्न पुलिस कार्यालयों और थाना और अन्य इकाइयों के परिसर में सफाई कर वृक्षारोपण किया, साथ ही एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। अभियान की अगुवाई करते हुए शहडोल जोन पुलिस एडीजी डीसी सागर द्वारा पुलिस लाइन परिसर में श्रमदान कर पहले झाड़ियों को साफ किया, जिसके बाद वृक्षारोपण किया गया। साथ ही ये संकल्प लिया कि एक पेड़ लगाकर उसकी टैप तक देखरेख करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह विकसित ना हो जाए। साथ ही अधिकारीगण ने सभी को कहा कि हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना भी हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सभी को हमारे वातावरण को हर समय स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस दौरान शहडोल एसपी अवधेश गोस्वामी, एसएसपी मुकेश वैश्य सहित कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस लाइन में जो शेड्यूल के जाबाज पुलिस अधीक्षक हैं अवधेश गोस्वामी जी, उनके और उनकी टीम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से वृक्षारोपण की जो ड्राइव चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है, उसमें बहुत ही आशातीत अद्वितीय उन्होंने काम किया है और जनता को भी उसमें जोड़ा है, पत्रकार बंधुओं को भी जोड़ा है। पर आज और कल 17 सितंबर को जो एक विशेष अभियान चलाया गया है वृक्षारोपण का और सफाई का, वो काबिले तारीफ़ है और सभी जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसमें सभी जवानों को एक एक पौधा दिया गया यहाँ पर, जिसे वो अपने घर में या अपने आंगन में न केवल लगाएंगे बल्कि उसके पोषण, उसकी देख रेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे वो, ऐसा आज संकल्प लिया गया है। और इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं पार्षद, उनके द्वारा भी संकल्प लिया गया है कि उनके क्षेत्र में वार्ड में वृक्षारोपण किया जाएगा। और पत्रकार बंधुओं ने भी संकल्प लिया है कि जो ये पहल है कि हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो एक तरह से ग्रीन लंग्स हैं, यानी जो पर्यावरण है हमारा उसके लिए वो हमें सांस देते हैं। तो यदि हमारे लंग्स स्वस्थ होंगे तो हमें जो सांस मिलेगी वो शुद्ध मिलेगी और उत्साहवर्धक मिलेगी। एक बहुत ही बेहतरीन पंचलाइन यहाँ पर चली कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम, तो ये बहुत ही अनुकरणीय है। और ये इस तरह की छोटी छोटी बातों से यदि हम वृक्षारोपण को एक ध्येय बना के चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा, हमारी जो हवा है वो स्वच्छ रहेगी और हम इस प्रकृति को और बेहतर तरीके से मानव के लिए रहने योग्य बनाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद।